गुस्साए उपभोक्ताओं ने विद्युत कंपनी के एई से मारपीट की। कोर्ट परिसर में आयोजित लोक अदालत की घटना। शिवपुरी के जिला न्यायालय परिसर में आज हुई आयोजित नेशनल लोक अदालत में बवाल कट गया। जहां आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में शनिवार की दोपहर कुछ विद्युत उपभोक्ताओं ने विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा बनाए गए बेजा कोट प्रकरणों से तंग आकर विद्युत कंपनी के सहायक यंत्री आरएस भदौरिया को जमीन पर लेटाकर लात घूसों से उनकी मारपीट कर दी। प्रत्यक्ष दर्शियों की माने तो उपभोक्ताओं ने सहायक यंत्री की लात घूसों से जमकर हजामत बना दी, जिसके बाद सहायक यंत्री भदौरिया ने कोतवाली पुलिस को अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। समस्या ये बाबू जी की, मैंने जो तलैया पर पिछले साल पंप चलाया था, पंप वाले को मैंने किराया दिया, अपना निजी डीजल जलाया, इसके बाद भी पनडुब्बी का केस दायर कर दिया मुझ पर राहुल गुप्ता ने। ये लाइनमैन है, ग्राम पेपर समाप्त है, लाइनमैन थे, अब इस समय सुरसद हो चुके हैं। आप पे केस क्यों किया और बाकियों पे क्यों नहीं किया ऐसा कुछ? सर कम से कम हमारे गांव पर केस किए उन्होंने, कम से कम बता रहा हूँ 60% केस किए। चाहते बाबा, हम यही चाहते हैं सर कि किसानों के साथ जाप्ती से बरताया जाए और बताते हैं कि ऐसा नहीं करोगे, मनमर्जी का काम हमारी इच्छा से नहीं करोगे तो आपके तार उतार दिए जाएंगे। जब किसानों का लाइट काट दी जाएगी, जब खेती नहीं होगी तो किसान फसल कहाँ से पैदा करेगा, फसल नहीं होगी तो फिर किसान बिल कहाँ से भरेगा। इसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो क्या करोगे? सुनवाई नहीं होती तो किसान कोई भी अपना कानून हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएगा और इसके जिम्मेदार लाइनमैन होंगे।